ऑलवेज वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल दैट इज यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। गाइस हमने पिछली वीडियोस के अंदर इज टू एम टू और आर टू का यूज पढ़ा था, और जैसे कि मुझे लिखना है आई एम टू राइट, मुझे गाना है आई एम टू सिंग, बट वहाँ पर ना गाइस कोई कंपल्सन नहीं थी कि आपको गाना ही पड़ेगा कि आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर वो आपकी कोई मजबूरी बन जाए या फिर नेसेसिटी बन जाए ना, क्या बन जाए, मजबूरी यानी कंपल्सन या फिर नेसेसिटी कि उसके बिना आपका काम उसके बिना नहीं चल पाएगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैज टू या फिर हैव टू का। फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ना है, अगर सेंस अगर ऐसी है आपको ये कहना है मुझे पढ़ना है, मीन्स जरूरी नहीं कि आपको पढ़ना है उस किसी फिक्स टाइम पर, और तो आप कहेंगे आई एम टू स्टडी, और मुझे पढ़ना है फ्यूचर की बात कह रहे हैं आप कि मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, देन यू विल से आई हैव टू स्टडी। आई होप गाइस ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। क्रैक किया क्या हमने, पहले सब्जेक्ट फिर हैज या फिर हैव, उसके बाद टू इंफिनिटिव। नेक्स्ट है उसे बाजार जाना है। अगर ऐसे है कि उसे बाजार जाना है तो यू कैन से सी इज टू गो टू मार्केट, और अगर जाना उसकी मजबूरी है जैसे कोई बुक परचेज करनी है या फिर कोई प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल उसको परचेज करना है, तो आप मीन्स नेसेसिटी है तो यूज करेंगे हम हैज टू का, सी हैज टू गो टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मुझे हर रोज पाँच बजे उठना पड़ता है, मीन्स ये कंपल्सन है, 5 बजे उठने के बगैर मेरा जो काम है वो नहीं चलता, मुझे हर रोज 5 बजे उठना पड़ता। आई हैव टू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर ना सीखने लायक कई सारी चीज़ें हैं, एक तो टाइम के लिए क्या यूज होता है एट, और इन द मॉर्निंग, जो इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, जो मॉर्निंग और इवनिंग से पहले ना जो वो द आर्टिकल का यूज होता है। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माता को सुबह चाय बनानी पड़ती है, माता को यानी कि माई मदर, सिंगुलर है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, हैज, माई मदर हैज टू प्रिपेयर टी इन द मॉर्निंग। आई होप गाइस ये वाला सेंटेंस भी आपका होगा क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, साहिल को कपड़े धोने पड़ते हैं, इट्स मीन दैट इट इज अ कंपल्सन फॉर साहिल दैट उसको कपड़े धोने ही पड़ेंगे, दैट ही हैज टू वॉश द क्लोथ्स। तो इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे हम, साहिल सिंगुलर है तो इसके साथ हैज टू वॉश द क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, उसे खाना बनाना पड़ता है तो उसे ही हैज टू प्रिपेयर द मील, सॉरी गाइज मील या फिर यू कैन से फूड। जो सिंपल सेंटेंस है वे हमने बना लिए हैं, और अगर हम इसका नेगेटिव बनाना तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो यो एज टू हैज है ना, हैज या हैव जो एडवर्ब है इसके बाद क्या यूज करेंगे हम, नोट का यूज कर लेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, नोट लगा दें, मुझे नहीं पढ़ना है तो आई हैव नोट टू स्टडी, उसे बाजार नहीं जाना है सी हैज नोट टू गो टू द मार्केट, फिर मुझे हर रोज पाँच बजे नहीं उठना पड़ता, आई हैव नोट टू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, माता को सुबह चाय नहीं बनानी पड़ती, माई मदर हैज नोट टू प्रिपेयर टी इन द मॉर्निंग।
नेक्स्ट असाइलो को कपड़े धोने नहीं पड़ते हैं, तो साइल हैज नोट टू वॉश द क्लोथ्स। नेक्स्ट उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता, ही हैज नोट टू प्रिपेयर द फूड और वी कैन से मील। और अगर अब हमको इसका इंटरव्यूटिव बनाना हो तो इंटरव्यूटिव के लिए हमें करना क्या है, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के आगे क्या मुझे पढ़ना पड़ता है, वी कैन से हैव आई टू स्टडी, हैव यू टू स्टडी, क्या आपको पढ़ना पड़ता है। उसे बाजार जाना है, क्या उसे बाजार जाना है, हैज सी टू गो टू द मार्केट। मुझे हर रोज 5 बजे उठना पड़ता है, हैव आई टू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। करना क्या है, इसको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले आएंगे। और माता को सुबह चाय बनानी पड़ती है, क्या माता को सुबह चाय, हैज माई मदर टू प्रिपेयर द टी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है साइल को कपड़े धोने पड़ते हैं, क्या साइल को कपड़े धोने पड़ते हैं, हैज साइल टू वॉश द क्लोथ्स। उसे खाना बनाना पड़ता है, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, हैज ही टू प्रिपेयर द फूड। आई होप गाइज आपको जो यो हैज टू और हैव टू का जो टॉपिक है ये आपका क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।